हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मोबाइल के बैक बटन सेटिंग के बारे में। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सिस्टम सेटिंग्स या एडिशनल सेटिंग। तो गाइस, आपको इस वाले सेटिंग पर क्लिक करना है। ध्यान रहे, सिस्टम सेटिंग या एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन रहेगा। तो इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिलेंगे। इन्हीं ऑप्शन में एक ऑप्शन मिलेगा सिस्टम नेविगेशन, जो कि ऊपर है आपके फ़ोन में, नीचे ऊपर हो सकता है, तो आप चेक कर लेना। फिर आपको सिस्टम नेविगेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बटन्स और गेस्टर्स का ऑप्शन है दो। देखिए, यहाँ बटन पर क्लिक है। अगर आप गेस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल रहेगा साइड से बैक होगा, इस तरह। यहाँ पर देखिए, साइड से बैक हो रहा है। अगर आप बटन का उपयोग करना चाहते हैं तो बटन पे ही रहने देना। और देखिए देखिए, नीचे ऑप्शन है बटन लेआउट का, तो नीचे आप चेंज कर सकते हैं। लेफ्ट अभी हमारा है, देखिए यहाँ पर डायरेक्ट बटन, और यहाँ राइट है यहाँ पर बैक बटन। तो यहाँ पर अगर नीचे हम क्लिक करेंगे तो लेफ्ट हो जाएगा बैक बटन और राइट हो जाएगा देखिए डायरेक्ट वाला बटन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट अपने बटन को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दो ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर लेफ़्ट हो गया, राइट हो गया, देखिए लेफ़्ट हो गया। तो इस प्रकार आप चेंज कर सकते हैं। देखिए, हमने लेफ़्ट कर दिया, अब लेफ़्ट से बैक होगा। इस प्रकार राइट करते हैं तो देखिए राइट से बैक हो रहा है। तो इस तरीके से आप इस सेटिंग का उपयोग कर सकते हैं गाइस। और मैं आपको बता दूं, आप चाहें तो सेटिंग्स में जाने के बाद अगर आपके फ़ोन में यहाँ पर नीचे देखिए सिस्टम सेटिंग्स या एडिशनल सेटिंग नहीं मिलेगा तो आप सबसे ऊपर लिखेंगे नेविगेशन, तो यहाँ पर आपको सिस्टम नेविगेशन वाला ऑप्शन आ जाएगा। इस पर क्लिक करके भी आप यहाँ से बटन को चेंज कर सकते हैं। तो गाइस, काफ़ी आसान है। तो आज के बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।